नगर निगम कोटा उत्तर के नेता प्रतिपक्ष के मनोनयन को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अपनी बात पहुंचा चुके एक दर्जन पार्षदों ने डीएलबी निदेशक को पत्र लिखकर बहुमत के आधार पर मनोनीत नंदकिशोर मेवाड़ा को नगर निगम कोटा उत्तर में नेता प्रतिपक्ष के रूप में वैधानिक स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। पार्षदों ने पत्र की प्रति संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर को भी भेजी है। पत्र में पार्षदों ने कहा कि नगर निगम कोटा उत्तर में कुल 70 पार्षदों में से भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद है। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कुल पार्षदों की संख्या का 10% यानी 7 पार्षदों का होना आवश्यक है। वर्तमान में बीजेपी ने लव शर्मा को नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया है, जिसके पास नियमानुसार बहुमत प्राप्त नहीं है, जबकि भाजपा के 8 पार्षद और समान विचारधारा के 4 निर्दलीय पार्षदों सहित कुल 12 पार्षदों का समर्थन पार्षद नंद किशोर मेवाड़ा के साथ है।